बीच में ऊपर से पूरा नीचे आ गया था भाई, खतरनाक हो गई थी भाई। तो खेतने वाली रोड ना भाई कभी भी सही नहीं हो सकती थी। काफी टाइम बाद आ रहा हूँ भाई आप लोगों को भाई मंदिर के दर्शन करवाते हैं। वाला रास्ता है जूलीकोट वाला रास्ता भी हल्द्वानी जाता है एंड यही रोड से ना नैनीताल को भी जाते हैं। माइक का ना एक और चीज खो गया है भाई, यहाँ पे देखो चलता हुआ पानी है भाई, अनलिमिटेड पानी। इसी के साथ तुम्हारे निक्कू भैया पहुंच चुके हैं फाइनली भैया हल्द्वानी में। जैसे जैसे ना हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे गर्मी भाई मुझे ना क्या क्या हो रहा है ना, अपनी रॉयल एनफील्ड ना अपने नाम करवा लिए और हम मच रहा हूँ और ही अरे और ही और गर्मी है यार भाई, आए हैं आज अल्मोड़ा से गर्मी खाने। फाइनल लुक अपनी गाड़ी का ये रहा भाई। हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भैया कैसे हो आप सब लोग, आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो भैया आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है चितई के पास से। तो सुबह सुबह ना आप सभी लोगों को भाई चितई मंदिर के भी दर्शन करवाने वाला हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ भैया यहाँ से हल्द्वानी की तरफ। हल्द्वानी क्यों जा रहे हैं वो आप लोगों को इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो अभी फिलहाल टाइम हो चुका है सुबह के बज गए 7:07 भाई सुबह सुबह ना यहाँ पे मैं आपका पहुँच चुका हूँ। अभी अभी हम लोग ना यहाँ से निकलने वाले हैं भैया हल्द्वानी की तरफ। तो दोस्तों चलो आज के इस ब्लॉग में ना बहुत ज़्यादा मजे वजे आने वाले हैं और भाई मेरे तो बालों को इग्नोर करना क्योंकि भाई ये गीले हो रहे हैं, नहा के ना सीधा निकल गया था। चलो दोस्तों इसी के साथ निकलते हैं एंड आप लोगों को चितई मंदिर के दर्शन करवाते हैं और फिर चलते हैं फटाफट फटाफट। और यहाँ से हम दो लोग जा रहे हैं भैया हल्द्वानी के लिए। आज गाड़ी मैं नहीं चलाने वाला हूँ क्योंकि मैं अपना भाई मोटर व्लॉगिंग सेटअप भी नहीं लाया हूँ, मेरे साथ में आ रहे हैं यहाँ से भाई और हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं भैया हल्द्वानी की तरफ। तो चलो दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ अपना माइक यूज। देखो मैंने अपने कॉलर पे तो लगाया है और भाई आवाज कैसी आएगी मुझे अभी पता चलेगा जब मैं एडिटिंग करूंगा व्लॉग की। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत ना बहुत ज्यादा जल्दबाजी में करी हुई है। तो मैं बैठा हुआ हूँ भैया पीछे देखो तो, और आपको दिखाते हुए यहाँ से ना एक प्यारा सा व्यू पॉइंट। तो थोड़ी आगे जाके ना नीचे का व्यू दिखाएंगे भाई, बहुत तगड़ा आ रहा है। सुबह सुबह ना अल्मोड़ा में ऐसा हो जाता है भाई पूरा कोहरे से ना नीचे नीचे पूरा ढक जाता है, ऐसा लगता है भाई पूरा समंदर जैसा। तो अभी आप लोगों को वो वाला व्यू दिखाएंगे। तो इसी के साथ सुबह सुबह हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा के पेट्रोल पंप में और भैया हम यहाँ से डलवाने वाले हैं पेट्रोल, फ्यूलिंग करवा लेते भाई यहाँ से जाने से पहले। डन 400 का करवा लिया भाई, और भाई 400 का इसीलिए डाला ना क्योंकि भाई हमारी टंकी में पहले से ही पेट्रोल पड़ा है जिस... और अभी तो रुको भाई हमने 400 का डाला। तो फिर फाइनली हमने फ्यूलिंग वगैरह करवा ली और भाई अभी हम लोग यहाँ से ना निकल चुके हैं आगे के। सुबह सुबह का सीन अल्मोड़ा का कुछ ऐसा हो रहा है, देख ही सकते हैं आप लोग भाई सब स्कूल जा रहे हैं भाई, कॉलेज वाले कॉलेज के लिए भाई, ट्यूशन वाले ट्यूशन, और भाई मतलब सब अपने अपने काम के लिए भाई रेडी हो चुके हैं सुबह सुबह। सामने का व्यू क्या तगड़ा आ रहा है भाई, ऐसा लग रहा है भाई पूरा पानी भर रखा है। इसी के साथ हम निकल चुके हैं यहाँ से हल्द्वानी वाले मार्ग पे और भाई थोड़ी ऊपर से ना आपको दो रोड कट जाएंगी भाई, एक जाती है धारनोरा को और एक जाती है अपने मार्केट के लिए। और यहाँ पे भाई मैं आप लोगों को एक यूनिक सी चीज दिखाने वाला हूँ। अभी जस्ट हमने ना लोधिया क्रॉस कर लिया है और भाई यहाँ को देखो क्या खतरनाक वाइब है भाई साहब। सुबह सुबह क्या मौसम हो रहा है यार भयंकर, देख रहे हो पूरा कोहरा ही कोहरा हो रहा है, लेकिन भाई देखने में जो मजा आ रहा है और भाई सुबह सुबह जो फ्रेशनेस मिल रही है ना अलग ही लेवल की। दोस्तों इसी के साथ हम पहुंचने वाले हैं आपका करवल्ला में। दोस्तों इसी के साथ हम पहुंचने वाले हैं क्वारा, और क्वारा पहुंचते हुए आपको ये मंदिर के दर्शन होंगे। बोलो जय श्री राम। तो भैया देखो यहाँ पे आ रखी है कड़क वाली धूप और नीचे भैया ब्रिज हो रहा है आपका बहुत ज़्यादा ख़राब। अब पता नहीं आजकल कैसा हो रहा है लेकिन बीच में तो भाई हालत तो बहुत ख़राब थी उसकी, तो आप लोगों को यहाँ से एक बार चल के दिखाते हैं। ये चेक करो दोस्तों दूसरी ब्रिज वहाँ पे तैयार हो चुकी है, टाइम और लगेगा भैया उसको तैयार होने में बिल्कुल। अभी तो भाई जस्ट इनने सेट कर रखी है, ये चेक करो
बीच में ऊपर से पूरा नीचे आ गया था भाई। और भाई ये चेक करो नई वाली ब्रिज, और ये पुरानी ब्रिज में भाई छेद वेद हो गए थे बीच में, तो कई खतरनाक हो गई थी भाई ये। तो कुछ टाइम बाद ये भी रेडी हो जाएगी और हम लोगों को निकलना है भैया हल्द्वानी वाली रोड पे। तो दोस्तों खेदना वाली रोड ना भाई कभी भी सही नहीं हो सकती, देख रहे हो भाई इसकी कंडीशन कितनी बेकार हो रही है यार। ये देखो भाई आजकल तो धूल कम है भाई, बीच में इतनी ज़्यादा धूल थी ना, और मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ भाई ऐसे, तो बहुत पहले गए हुए थे हम लोग, तो आज जा रहे हैं भैया उसके बाहर भाई इस रोड में चलेंगे हम आराम आराम से, क्योंकि भाई ये रोड बहुत बेकार है। दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ी है भाई, जो दिल्ली से आते हैं ना सुबह सुबह भाई जब वो बस से यहाँ पे आते हैं तो भाई उसको इन पहाड़ों को देख के ना भाई ऐसा सुकून मिलता है ना भाई, आ जाता है भाई दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। महाराज जी के पास में कैची धाम में, और आप लोगों को भी दिखाते हैं यहाँ से और हम भी दर्शन करते हैं। तो भाई काफ़ी टाइम बाद मैं ना घर से निकल रहा हूँ, मतलब इतने लॉन्ग ट्रिप के लिए, और भाई कैची धाम में ना हमेशा भाई भीड़ रहती है काफ़ी ज़्यादा, और आप लोगों को भाई मंदिर के दर्शन करवाते हैं। इधर आ भैया आपका सामने मंदिर महाराज जी का, बोलो जय नीम करौली महाराज जी की। अभी तो हम यहाँ पे रुक नहीं पाए भाई, आते टाइम ना हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, तो अभी हमको भाई बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, और अभी आपका टाइम हो चुका भैया सुबह के बज गए 9, लोग ना 9 बजे भाई कैची धाम क्रॉस कर चुके हैं। ये भवाली की मार्केट में ना आप लोगों को होम स्टे वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, और भवाली की मार्केट का नज़ारा कुछ इस तरीके से है भाई, देख सकते हैं आप लोग। कभी ऐसा टाइम नहीं हुआ भाई जब यहाँ पे ना जाम नहीं लगा हो, हमेशा भाई यहाँ पे जाम लगता ही लगता है। तो भैया ये वाला जो रास्ता है ना जूलीकोट वाला रास्ता है, जूलीकोट वाला रास्ता भी हल्द्वानी जाता है, एंड यही रोड से ना नैनीताल से भी जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो भीमताल वाली ना रोड बंद है, और भाई हम लोगों को ना यहाँ से जाना पड़ रहा है, अब पता नहीं भाई ये रोड गई कहाँ है। अरे माइक का ना एक और चीज खो गया है भाई, पता नहीं अभी अभी गाड़ी में मैंने अपने फोन पे लगाया हुआ था, जो यहाँ पे होता है जो फोन के पीछे लगता है, ये है आपका वायरलेस माइक। OTG की केबल मिलती है भाई जिससे माइक कनेक्ट होता है, तो वो चीज़ ना हमारी खो गई है भाई, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। पता नहीं 2000 रुपये के माइक का क्या होगा भाई, समझ ही नहीं आ रहे हैं भाई, मूड की ऐसी तैसी हो गई यार, छी अरे खो गया भाई, पता नहीं कहाँ गिरा, पता भी नहीं चला भाई मेरे को। मैंने अपने फ़ोन के पीछे लगाया हुआ था और मैंने फ़ोन डाला था भैया अपनी जेब पे। तो दोस्तों तुम्हारे निक्को भैया पहुँच चुके इसी के साथ भीमताल में, चेक दिस आउट गाइस। आवाज ना भाई बहुत ज्यादा बेकार रहेगी क्योंकि अभी तक मैं ना माइक से रिकॉर्ड कर रहा था। दोस्तों भीमताल की एक शानदार चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, ये चेक करो भाई सुसाइड पॉइंट, यहाँ से नीचे को बहुत खतरनाक वाली खाई है, देखने में ही भाई डर लगता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके थे सलेड़ी में, और भाई यहाँ पे देखो चलता हुआ पानी है भाई, अनलिमिटेड पानी, और भाई ये पानी इतना ठंडा है ना क्या ही बताएं। हम लोग ना भाई बिना रुके सुबह से कंटिन्यू रेगुलर चल ही रहे हैं, और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे रुक लिए थे, और रुके लिए थे भाई एनर्जी ड्रिंक वगैरह मारने के लिए। तो दोस्तों यहाँ से हमने ले लिए स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग वगैरह पीते हैं और फटाफट फटाफट निकलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम पहुँच चुके भैया रानीबाग के ब्रिज में, देखो यहाँ से शुरू हो जाता है आपका रानीबाग, और भाई नीचे एक रिवर है भाई, यहाँ से ना हमको ऑटो देखने के लिए मिल जाते हैं। देखो भाई यहाँ से ऊपर को ऑटो नहीं चलते हैं, यहीं से आगे को ना ऑटो दिखेंगे आप लोगों को। दोस्तों इसी के साथ तुम्हारे निक्कू भैया पहुँच चुके हैं फाइनली भैया हल्द्वानी में, और भाई अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ, तो अपना काम है एक छोटा सा तो वो करवाते हैं पहले। तो आप लोगों को आज भाई हल्द्वानी घुमाने वाला हूँ मैं, दोस्तों हमारे भाई लोग भी रहते हैं यहाँ पे, तो अभी शायद से वो आने वाले हैं, तो आएंगे तो ठीक है मिल लेंगे, अगर नहीं आएंगे तो वो भी ठीक है। देखो भाई एक और भाई एकरा बॉबिक लगा रखे,
क्या बात है भाई, क्या बात है। पहले हमको जाने यहाँ से सीधे मुखानी चौराहा, तो फिर वहाँ से हम लोगों को पता नहीं कहाँ जाना है। अभी फिलहाल हमारा टास्क ना यहाँ से मुखानी चौराहे तक की है। तो फाइनली हम आपका पहुंच चुके हैं मुखानी चौराहा, और भाई यहाँ से हम लोगों को जाना है अंदर वाली रोड में, जो सामने से अंदर को कटी है ना, यहाँ से इस वाली में जाना है। देखो हल्द्वानी में तो बिल्कुल धूप ही नहीं है, और हमारे उधर को भाई बहुत तेज वाली गर्मी है। तो यहाँ पे ना आजकल मौसम भाई नॉर्मल हो चुका है भाई, बहुत बढ़िया हो रहा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। और भाई आप पता नहीं भाई, जब धूप आती है तब तो गर्मी लगती होगी दिन में, लेकिन अभी भाई सही मौसम हो रहा है, एकदम मस्त हो रहा है। ये जो पीछे चौराहा हुआ, ये चौराहे का नाम क्या हुआ? ये कॉल्टेक्स हुआ। मैं कह रहा था ना मुखानी चौराहा पीछे है, लेकिन भाई मुखानी चौराहा ना पीछे नहीं है, मुखानी चौराहा आगे बढ़ता है अंकल। तो हम लोगों ने इनसे पूछ लिया यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोगों को 3 किलोमीटर और आगे जाना है दोस्तों। आगे पंचक्की, उसके बाद मुखानी चौराहे का 3 किलोमीटर। आप पहले कार बनाना आए, फिर शीश में लाए, आगे पंचक्की चौराहे, ठीक अंकल, थैंक यू। तो दोस्तों हमको यहाँ से 3 किलोमीटर और आगे जाने हैं, तो फटाफट चलते हैं और वहीं पहुँच के तेरे बालों को तो इग्नोर करना। और भाई जैसे जैसे ना हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे गर्मी भाई बहुत ज़्यादा तेज हो रही है। हम तो हुए भाई शुद्ध हवा खाने वाले बंदे, पहाड़ की हवा खाते हैं। और भाई यहाँ पे क्या ही कहूँ भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, हालत ख़राब हो रही है, ऊपर से इतनी तेज़ धूप। तो भाई मुझे ना कैप कैप हो रहा है, ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ी थोड़ी हो रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम आए हुए हैं हल्द्वानी में भाई आरटीओ ऑफिस। तो आप लोग सोच रहे होंगे भैया आरटीओ ऑफिस जो क्या काम हो गया, तो मैं बताता हूँ भैया। कुछ दिन पहले ना भाई हमने ली हुई थी रॉयल इनफील्ड, जो हमको करवानी थी अपने नाम। तो मैं यहाँ पे आया हूँ भाई के साथ में, और भाई गया हुआ भैया अंदर तो भैया के साथ, और वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह भाई सबमिट वगैरह करने होते हैं तो वो सब करवाने के लिए गए हैं। तो देखते हैं भाई कब तक वो आता है, और फिर भाई हमारी रॉयल इनफील्ड हमारे नाम हो जाएगी, और फिर हम यहाँ से जाएंगे। और भी मतलब बहुत सारे काम हैं, तो सारा काम करवाएंगे अपना बढ़िया से, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो भाई हल्द्वानी आने का एक रीज़न तो ये था आपका, कि अपनी गाड़ी करवानी थी हमने अपने नाम। और हो गया क्या? तो दोस्तों अभी फिलहाल ये लोग आ चुके हैं, और देखते हैं भाई अब क्या रह रहा है इनका काम। तो मैं तो भाई पीछे पीछे लगा हूँ बस, मैं तो व्लॉग बना रहा हूँ मस्त से एकदम। तो दोस्तों फाइनली हमारी गाड़ी ना हमारे नाम हो चुकी है, देखो ये लगी हुई है अपनी न्यू रॉयल इनफील्ड। फाइनली भैया हमने अपनी रॉयल इनफील्ड ना अपने नाम करवा लिए यहाँ आके। तो चलो दोस्तों अब हम कहाँ जाने वाले हैं वो भी आप लोगों को पता चलेगा, तो चलो दोस्तों चलते हैं। भाई इस गर्मी में ना जो हालत खराब हुई है ना भाई, स्टेशन में ना भाई कोहरा मच रहा है, और ही अरे और ही नरक कर रो नहीं यार। दोस्तों अभी हम लोग आए हुए हैं हल्द्वानी की एक ऐसी मार्केट में भैया, जहाँ होता है सारी गाड़ियों का काम, देख सकते हैं जितनी भी शॉप दिख रही है ना यहाँ पे, सब भाई मोटर मैकेनिक्स की हैं भाई। यहाँ पे ना सारी गाड़ियों का काम होता है, देखो वो शुरुआत से वहाँ से लगी हुई यहाँ तक, पूरी यहाँ तक भाई पूरी शॉप ही शॉप है, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर में ना राहुल भाई आने वाले हैं मिलने के लिए, तो भाई उनसे मिलवाते हैं। तो काफी ये क्या है टाइम से भाई राहुल भाई अल्मोड़ा से गए हुए थे ना भैया, तब से उनसे ना बिल्कुल भी मुलाकात नहीं हुई थी, तो काफी टाइम बाद मिलने वाले हैं, और अभी थोड़ी देर बाद आने वाले हैं और फिर मिलवाते हैं आपको उनसे। 050 क्या हाल है? बढ़िया यार भाई, और सब बढ़िया? बढ़िया भाई साहब, यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है ना, सही बताएं। और गर्मी है यार, भाई आए हैं आज अल्मोड़ा से गर्मी खाने राहुल भाई से मिलने के लिए हल्द्वानी। बहुत तेज हो रहा है यार। चलो बढ़िया, तुम मिलने आए यार, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हम लोग लगवाने वाले हैं भैया ये वाले रिम, तो भाई ये वाली हमने चूज कर ली थी, और अभी टायर में तो लगवा दिया है भाई, फटाफट इसको फिट विट कर रहे हैं, दिखाते हैं आप लोगों को भाई फाइनल लुक गाड़ी का कैसा लग रहा है। तो दोस्तों ये चेक करो आप फाइनल लुक अपनी गाड़ी का, ये रहा भाई, ये हमने अलॉय चेंज करवा दिए इसके, और आगे पीछे हमने दोनों जगह लगवा दिए, काफी मस्त लग रहा है भाई अब, और ये चेक करने वाला एक बार चला के। दोस्तों वो टाइम आ चुका है जब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अल्मोड़ा के लिए, और राहुल भाई के साथ ना भाई बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, काफी टाइम बाद राहुल भाई से मिलके मजा आ गया।
न्यू भाई आ गए दोस्तों, और भाई का चैनल है आपको पता ही होगा दाची यूके 05 से। कर देने यार सब्सक्राइब कर दो तो यार, बिल्कुल भाई पहले यार मजा आ गया भाई। राहुल भाई की दाल भाई भाई सनम सनम नम बेवफा सनम। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग निकलते हैं अपने अल्मोड़ा को, राहुल भाई को बाय बाय बोलते हुए, फिर मिलते हैं राहुल भाई अगली बार। ओके भाई, ओके ओके ओके। गाड़ी का काम वगैरह हम लोगों ने ना पूरा करवा लिया एंड अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अल्मोड़ा के लिए, तो फटाफट चलते हैं। तो इस ब्लॉग को करते हैं, कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। पावर दूसरे वाले ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहो।